झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कुरेश नगर के रहने वाले दो भाइयों को घेरकर दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू और तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों का कहना है कि 8 से 9 लोगों ने हमारे बच्चों पर चाकू तलवारों से हमला किया और ये लोग बदमाश हैं। वहां से निकलने वाले लोगों ने हमला करने वालों को खदेड़ा, तब जाकर वो छोड़कर भागे। परिजनों ने जख्मी दोनों भाइयों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। झांसी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कुरेश नगर के रहने वाले दो भाइयों को घेरकर दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू और तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों का कहना है कि 8 से 9 लोगों ने हमारे बच्चों पर चाकू तलवारों से हमला किया और ये लोग बदमाश हैं। वहां से निकलने वाले लोगों ने हमला करने वालों को खदेड़ा, तब जाकर वो छोड़कर भाग गए। परिजनों ने जख्मी दो भाई साहब, क्या हुआ आज? आज ये हुआ कि हमारे बच्चों पे हमला करा 7-9-10 आदमियों ने। अच्छा। जिसका क्या नाम से एक बल्ले और शरीर दमंग है, और ये बकरी चोर है, अभी बंद हुए थे। एक इसका भाई है अल्लू, उसने भी अहमदाबाद में कत्ल करा था, और एक झांसी में भी करा था, और एक इसका भाई और है अय्या, वो क्या नाम से 20,000 रुपए का इनामी बदमाश है भितरवाड़ से। तो ये लोगों ने हमारे बच्चों को बहुत बुरी तरीके से चाकुओं से तलवारों से हमला करा, बहुत कस के घायल हैं, बहुत क्या नाम से सीरियस है एक की हालत। और हम यही चाहते हैं कि क्या नाम से न्याय मिले हमें प्रशासन से, और ऐसे गंदे आदमियों को जगह जहाँ है वहीं पहुँचाया जाए। ये घटना क्या बजे की है सर? ये घटना है 8:30 बजे की। ये हमारे वहाँ कसाई मंडी में एक कलम से शिव जी का मंदिर है, वो खेत है, वहाँ से रास्ता है, तो वो पेट्रोल डला के आ रहे थे, तो उनको घेर के और इन लोगों पे हमला करा इन लोगों ने। फिर किसी ने बीच बचाव किया? कोई नहीं, एक लेडीज ने बिचारी ने जो देखा वो चिल्ला रहे थे बच्चे हमारे, तो एक लेडीज ने आवाज़ लगाई, तो उनने 70-80 फेंके। जब ये भागे तो फिर कुछ लोग मोहल्ले के भी बहुत लोग आ गए वहाँ पर, तो उनको उठा के सीधे कलम से थाना कोतवाली लेके पहुंचे। कोतवाली वालों ने वहाँ अपने सिविल अस्पताल भेजाया, सिविल अस्पताल वालों ने ज़्यादा जख्मी देख के तो इनको रेफर मेडिकल करा। चलिए मेडिकल ठीक